काम निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं। पहले भी क्या है कि यहाँ का मौसम और मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं। उत्तराखंड कब बदल। तो दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ, बारिश लग गई है बहुत खतरनाक। सरगे कुंडी बांझा पड़ी, न खान पाई सर्ग। तो भाई दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विशाल रावत पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो भाई, आज का ब्लॉग है अपने इन शानदार पहाड़ों से। 11:15 समय हो रहा है सुबह का, और मौसम देखिए आज का। देखिए मेरे पीछे पहाड़ों के ऊपर चारों ओर हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, और आज जन्मदिवस के अवसर पे बहुत सारी शुभकामनाएं संदेश पहुंच रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भाई खेतों में, हमारे खेतों में ये देखिए, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप। बड़ा मुश्किल से ये है झंगूरे का नट्ठू, और ये है पराल धान का। तो भाई बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन धूप लगी, क्योंकि 13 तारीख को हम नीचे देहरादून गए, उस दिन तो बारिश थी, उससे एक दिन पहले भी बारिश थी 12-13 को। तो 14 से धूप लगी 1-2 दिन लोगों ने, देखे चाची जी ताई जी लोगों ने लगभग लगा दिया है, और माँ कह रही थी कि अब 13 बर्थडे मनाएंगे ढंग से। तो भाई मैं बर्थडे के दिन यहाँ पे आ रखा हूँ। आज पूरा घास लगाना पड़ेगा, ये कोई ले जाना पड़ेगा गौशाला, और कोई लगाना पड़ेगा यही, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। देखिए हमारे पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं, मौसम और मुख्यमंत्री का कभी भी बदलते रहते हैं। इसलिए अब इसको जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना पड़ेगा घर। और इधर माँ जी भी आई हुई है, तो माँ ने सब इकट्ठा करके बांध रखा है। तो अभी यहाँ पे बांध रखा है, और सबने लगवा लगवा, ये देखिए पेड़ों में ऐसे लटकाया जाता है, रिजर्व कोटा होता है, बाद में दिया जाता है ठंडियों में, दिसंबर जनवरी फरवरी के टाइम पे। तो देखिए भाई आज का नज़ारा हमारे इन शानदार पहाड़ों से, उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से जिले चमोली के दसोली ब्लॉक से, छोटे से गांव देवलधार से, ये सुप्रभात संदेश। ये देखिए बहुत जबरदस्त धूप हो रही है भाई, उस दिल्ली देहरादून से तो कमी है, पर ठीक है हमारे इन पहाड़ों में भाई। वहां तो एक जगह पे 5 मिनट खड़ा रहकर भी बंदा पूरा गीला हो जा रहा, पूरे कपड़े गीले पसीने से। तो बहुत खतरनाक गर्मी है भाई बाहर, पहाड़ का बंदा बाहर गर्मी में मुश्किल टिक सकता है। अक्सर लोग गर्मी देखकर वहां से बाहर जाते हैं घर। तो माँ तो यहाँ पे है नहीं, अभी ढूंढते हैं कहाँ है। ये दोस्तों पूरा घास सुखाकर डाला हुआ है, भाई दोस्तों बाहर हो रही है बहुत खतरनाक धूप, और हम जाएंगे घास लेने।
ड्यूटी लग गई रे भैया। अभी दोस्तों देखिए बर्थडे के दिन भी यार चैन से नहीं रहने दे रहे हैं घर वाले। हमारे पहाड़ों में ऐसे ही बर्थडे मनाया जाता है। एक भारी ये ले जानी है मैंने, और एक भारी ये है, और एक उधर है रास्ते में, तो इनको ले जाना है गौशाला की छत पे, तो वहाँ पे लगाया जाएगा। ये देखिए, तो भाई 2-3 दिन धूप खिली थी मस्त, और अब ये उठाया जाएगा। घास सबने उठा दिया है, बस कुछ कुछ लोगों का रह गया है, और आज सभी का लगभग उठ जाएगा। तो भाई इसको उठाते हैं, भारी लगाता हूँ। ये है मेरी डंडी और रस्सी, इसी पे लगाएंगे। तो भाई लगाते हैं। तो भाई देखिए दोस्तों, ये मेरी भारी लग चुकी है, और धूप भी बहुत खतरनाक हो रही है। तो सगुआर तो है मेरे पे, ऐसा भी नहीं है, सगुआर फुल है। तो चलते हैं अब इसको घर ले जाते हैं। इसके बाद ये ऊपर वाला ले जाना है, उसके बाद एक उधर है और एक खेत में उधर है। तो आज मुझे लग रहा है खाना सीधे रात को खाया जाएगा, क्योंकि धूप की चोरी इसे कहते हैं। जब तक धूप लगी, इसका काम धूप का ही है, धूप लगी है तो इसको सुखाकर तुरंत अंदर रखना पड़ता है। तो चलते हैं क्योंकि बारिश ना आ जाए अभी। तो दोस्तों एक राउंड ले गया हमें, अब दूसरी राउंड ले जाना है। 2-3-4 भारी है लगभग, एक उधर पे होगी 5। आज ये काम निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं। पहले भी क्या है कि यहाँ का मौसम और मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं। उत्तराखंड कब बदल जाए कोई पता नहीं। दोस्तों लगाते हैं दूसरी भारी। उस भारी में 22 पुलियाँ ले गया था मैं, वैसे 25 की होती है एक, पर 3 कम थी, उतनी थी वहाँ पे। अभी ऊपर वाला ले जा रहा हूँ मैं, तो इसको ले जाते हैं, लगाते हैं भारी। तो भाई दोस्तों इस वाली भारी पे लाए मैं 20, क्योंकि उतने थे वहाँ पे। और यहाँ यार अभी ना यहाँ नीचे तिमल का पेड़ है, यहाँ पे एक ताई जी घास लगा रहे थे और उनका पैर फिसल के वो सीधे गिर गया नीचे खेत में। तो यार हमारे पहाड़ की महिलाएं ना हमेशा इन गाय बछड़ों के पीछे ना अक्सर ऐसे ही चोटिल हो जाते हैं, कई कई तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। पर इतना हपड़ धपड़ मत करिए, आराम से करिए, जल्दबाजी ना करिए, कोई बात नहीं, काम आराम से होगा और अच्छा होगा। महिलाओं की अक्सर यही आदत रहती है कि उन्होंने पूरा कर दिया, इन्होंने पूरा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपनी माँ को हमेशा यही कहता हूँ, तू भले सबसे लास्ट में भी करेगा गांव में सबसे लास्ट में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से किया कर, कोई बात नहीं है, हबड़ दबड़ मत किया कर। तो भाई अभी तब वो मामी भाई और संतोष दोनों भाई ले गए हैं ताई जी को घर, तो उन्होंने वहाँ पे वो ढेर लगा रखी है, तो वहीं पे छूट गया है, क्या करें, तब तक ताई जी पे छूट लग गई। तो आराम से करिए जो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैंने उधर का पूरा घास लिया है मैं इधर, और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे हमारी एक भतीजी है प्राची, अभी दिखाता हूँ मैं उनको, ये देखो ये फोन पे देख रहे, इसका काम भी वैसे ही हो रहा है, पूली घसीट घसीट कर ले जा रही है ये ऊपर। एक हाथ पे फोन है और एक हाथ से पूली ले जा रही है, ये सारी इस भाभी की गलती है, फोन दे रखा बच्चों को, नहीं तो क्या। तो दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, बारिश लग गई अब बहुत खतरनाक, सरगे कूड़ी बांधा पड़ी न खान पाई, सर्ग रोदियों का पार करना बरख लगी, बहुत मुश्किल है दोस्तों। यहाँ का मौसम और मुख्यमंत्री कोई भरोसा नहीं है। देखिए
अभी टन धूप लगी हुई थी, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए थे, अचानक से बारिश। ओहो, पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। ये देखिए दोस्तों, ये भाई, ये हमारी माता जी। अरे लोड़ा सब भीजी वे के लिए लगे का कौन सा नहीं भीजा तेल। ये हमारी माता जी बगल गल आ चुकी है, तो मैं भी खा ली थोड़ी ची, मैं भी ले आई छे जो। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक दशरथ महाराज जी का एक बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक एक गाना है। जब दशरथ महाराज जी अंतिम जिंदगी के अंतिम क्षण में होते हैं, तो उस समय उनका एक ये गाना है, तो सुनिए गाना। प्यारे राम तू सामने आजा, चांद सा मुखड़ा अपना दिखा जा। प्यारे राम तू सामने आजा, चांद सा मुखड़ा अपना दिखा जा। बेटी सीता मेरी रोयो नारी, बेटी सीता मेरी रोयो नारी, फिरती होगी कहाँ मारे मारे। प्यारे राम तू सामने चांद सा मुखड़ा अपना देखा जा। बेटा लक्ष्मण ये अंतिम घड़ी है, बेटा लक्ष्मण ये अंतिम घड़ी है, मौत मेरे सिराने खड़ी प्यारे राम तू सामने आजा, चांद सा मुखड़ा अपना देखा जा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको गाना पसंद आएगा तो कमेंट में जरूर बताना, और शेयर धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और पेज को फॉलो जरूर करना, धन्यवाद।